ठीक तो कू समझाऊ ठीक तो कू समझाऊ बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आपने ब्रज मंडल की संपूर्ण होली के दर्शन ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से प्राप्त किए। अनेकों प्रकार की होली का रंग आपने लिया, कहीं फूलों की होली, कहीं गुलाल की होली, कहीं रंग की होली, कहीं लाठियों की होली और कहीं लड्डुओं की होली के दर्शन आपने किए। और आज हम आपको ब्रजमंडल के वास्तविक होली के दर्शन के लिए श्रीधाम नंदगांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव विराजमान है जिसको गिढ़ो गांव कहा जाता है, जहां भगवान ने गेंद का खेल खेला था और यहाँ पर गेंदोकर कुंड भी विराजमान है। इसीलिए इस गांव को गिढ़ो गांव कहा जाता है, क्योंकि भगवान जब गौचारण के लिए आते थे तो यहाँ ग्वाल वालों के साथ गेंद का खेल खेलते थे। आज ठाकुर जी श्याम सुंदर आज अपने दादा को साथ लेके, बलराम जी को साथ में लेके गिढ़ो गांव में हुरंगा खेलवे के लिए पधारे हैं। और मेरा विश्वास है कि आपने ऐसी होली के दर्शन कभी नहीं किए होंगे, क्योंकि ब्रजमंडल के ऐसे छोटे छोटे गाँव में ब्रज के प्राण बसते हैं महाराज, इन ब्रजवासियों के रूप में। आज ये ब्रजवासी कैसे आनंद रस में झूम रहे हैं उसी के मैं दर्शन आपको कराता हूँ। आज यहाँ हुरंगा खेला जा रहा है। आज हमारे श्याम सुंदर दाऊ दादा को साथ में लेके, अपने सखाओं को साथ में लेके यहाँ हुरंगा खेलने के लिए पधारे हैं। और आज झंडी स्वरूप में दोनों ही भैया गिढ़ो गांव में पधारे हैं। खूब आनंद रस वर्षे को आप मेरे साथ यहाँ को मानसिक रूप से आनंद रस प्राप्त करें। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं कि अगर आप ब्रजमंडल के संपूर्ण दर्शन अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उन नंबरों से आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में संपर्क करके ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें और नित्य ब्रजमंडल के आनंदमयी दर्शनों का आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो आइए चलते हैं और लेते हैं आनंद आज ब्रज के प्रसिद्ध गिढ़ो गांव के हुरंगा का। और देखिए कैसा आनंद रस बरस रहा है आज गिढ़ो की पावन भूमि पर। आज नंदगांव से दाऊ दादा अपने समस्त सखाओं को साथ में लेकर के गिढ़ो गांव में पधारे हैं हुरंगा खेलने के लिए। और आप देख सकते हैं आज कितनी संख्या में ब्रजवासी एकत्रित हुए हैं और ध्वजा स्वरूप में आज साक्षात हमारे बलराम जी दाऊ दादा पधारे हैं अपने समस्त सखाओं को साथ में लेकर के। बोल नंद के लाला की जय। और देखिए आज दाऊ दादा के साथ में जो सखा पधारे हैं वो कैसा आनंद रस अनुभव कर रहे हैं। तू भाभी तू नीचे आया साक्षात दर्शन करो कृष्ण बलराम के। आज बाल रूप में कृष्ण बलराम दोनों होली खेलने के लिए पधारे हैं। जय हो मेरे प्रभु की। अपने दाऊ दादा को होली खिलाने के लिए भगवान ने 4 दिवसीय हुरंगा का आयोजन ब्रजमंडल की पावन धरा पर किया और आज आप उसी के अंतर्गत दर्शन कर रहे हैं गिढ़ो गांव के हुरंगा का, जो कि नंदगांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है। और देखिए ठाकुर जी के सगा कैसे आनंद रस लूट रहे हैं। और महाराज इन ब्रजवासी इनके तो खून में ही वो लीला बसी हुई है। आप साक्षात दर्शन करो आज कृष्ण और बलराम के बाल रूप के दर्शन ब्रजमंडल की पावन भूमि पर हो रहे हैं। के मन में दिए दिया आवे
के मन में ऐसी ऐसी घोड़ी लंगो में आए सागर में लिख लेना या घोड़ी लंगो में आ जाए पटागर लेना अरे काली घटा रे काली घटा बिन दे अरे तेरा बिगर जाए घोड़ी लगवाए लेगी होरी में अरे तेरा बिगर जाए के लगवाए लेगी होरी में अरे तेरों का बिगर जाए अरे ठीक ठीक जो तू समझाओ ठीक बोलो अरे ठीक ठीक जो तू समझाओ ठीक अरे दादा ना तेरे नेक लगाऊं दादा ना तेरे नेक लगाऊं अरे दादा ना तेरे नेक लगाऊं दादा ना तेरे नेक लगाऊं लड़ुआ भर दूं डोरी में तेरों का बिगर जाए घोड़ी लगवाए लेगी होरी में तेरों का बिगर अरे ठीक ठीक तो कू समझाऊ ठीक ठीक तो कू समझाऊ अरे तेरे गाल गुलाल लगाऊ तेरे गाल गुलाल लगाऊ अरे जब चले रंग पिचकारी गोरी खार बह तेरी मोरी में तेरी मोरी में तेरों का बिगर जाए बोरी ऊपर गोटा दस तुके गोपे चीट कोरे ऊपर गोटा दस उड़त गोल दिखाए दे तेरे नारंगी से गाले बजाए मरो में झूठी मोरू तू न मरो में झूठी मोरू तू न मरो में झूठी मोरू अरे छ महीना मोरू डिंग सोई छ महीना नाल की गाठ न खूटी मोरू तू न मर और एक दिन रसिया डिंग सोई एक दिन रसिया डिंग सोई नंगा धर लियो खूटी मोरू तू न मर में झूठी। और आइए अब जानते हैं श्री राम नंदगांव से पधारे गोस्वामी जन, उन्हीं के मुख से जानते हैं आज के दिन की महिमा को। प्रभु राधे राधे। आपको शुभ नाम क्या है? विष्णु गोस्वामी। महाराज आज जो आनंद रस गिढ़ो गांव की पावन धरा पे बरस रहे हो रंगा के रूप में, वो आपको कहाँ भाव है? भाव ये प्रभु जी, ये दाऊ जी को और सब मानो गये हो जी, ये दाऊ जी महाराज को औरंगा है जी। कल जो निकल के गए हो दौर के दिन ये गेंदोकर गांव है गिढ़ो गांव जी, गेंदोकर गांव के ग्वाल वाल नंदगांव दाऊ जी महाराज के सखान के रूप में जाएं और वहाँ बेचारे हमारे चौधरी समाज क्षत्रिय समाज को ये सब है वहाँ जाके ये अपने जो है समाज के साथ में जो है चौपाई के स्वरूप में गांव में है कि नंद महल में दर्शन करते हुए ज्ञान के थूक में है कि श्री रंगीली चौक जहाँ लठमार होली होती है वहाँ पर इनका आपस में औरंगा होता है लठमार। उसके बाद में प्रसाद करके श्री नंद लाला का अपने गांव में आते हैं गिरोह में, पर दूसरे दिन उसी भाव से यहाँ जो है नंद गांव के जो ग्वाल हैं चौधरी समाज गोस्वामी समाज आगे सम आगे जो है गोस्वामी समाज हमेशा से चौपाई को लेकर चलती है और दाऊ जी महाराज का यहाँ धूमधाम से परंपरागत जिस तरह से होता दाऊ दादा के संग हमारे लालाऊ पधारे। लाला तो संग में रहो दाऊ जी के संग लाला के लाला तो पहले खेले ना लाला तो पहले आवे है लाऊ शर्मावे लाला खेले यो कर करके श्री राम बरसाने में और श्री राम नंदगांव में जो लठामार होली हुए वहाँ में ढाल को प्रयोग करो जाए यहाँ जो काय को प्रयोग करो जाए जो सखी जो लाठी चला में ये हत्ती पर हत्ती पर रोक जाए लाठी ये झामे जो हो कुछ जगह झामे को स्वरूप जो दिखा में लकड़ी के राजा रानी को दाऊ जी को क्या जेठ को स्वरूप है जी। लेकिन फागुन को महीना ही कहते हो या फागुन में जेठ कहे भाभी
तो बहुत सी जगह जो जामी जो आम है उनकी जामीन की छाया में श्री जी रहे मर्यादा में ओटक लेके और ओटक में दाऊ जी व आठ में ओटक में वह औरंगा को खेले हैं जो है सब दाऊ जी को औरंगा है बोलिए होली के कितने भाव से आदिवासी इस महोत्सव को मनाते हैं और कितने भाव की यह लीला है कि किशोरी जी झामे की ओट में से दाऊ दादा से होली खेले हैं। ये मर्यादा की होली है महाराज, यहाँ मर्यादा युक्त होली होती है ब्रजमंडल में और समस्त संसार में कोई मर्यादा ही नहीं होती होली में, परंतु ब्रज में मर्यादा को ध्यान में रख करके होली खेली जाती है। बड़े ही भाव की लीला है क्योंकि हमारे श्याम सुंदर और दाऊ दादा आज दोनों ही भैया औरंगा खेलवे के लिए नंदगांव से पधारे हैं अपने समस्त ग्वाल बालन को संग में लेके। बड़े ही भाव से बड़े ही प्रेम से ये उत्सव मनाया जाए। और देखिए आज समस्त ब्रजमंडल के ब्रजवासी आज उमड़ पड़े हैं गिड़ो गांव के औरंगा में, क्योंकि आज हमारे श्याम सुंदर और दाऊ दादा आज दोनों ही भैया औरंगा खेल रहे हैं और ब्रजवासी कैसो आनंद रस प्राप्त कर रहे हैं दर्शन प्राप्त करके। आप देखो कोई भी छत आपको खाली दिखाई नहीं देगी, जहाँ भी निगाह जाती है वहाँ तक भक्ति भक्त और श्रद्धालु श्रद्धालु नजर आते हैं। धन्य है ब्रजवासी और धन्य है ब्रजमंडल की ये लीलाएं। प्रभु ने अपने ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करने के लिए ब्रजमंडल में अनेकों लीलाएं की और आज भी प्रभु अनेकों लीलाएं करते हैं ताकि मेरे प्यारे ब्रजवासियों को वो परम सुख प्राप्त हो और वो आनंद रस प्राप्त हो जो देवताओं को भी दुर्लभ है। बोलिए नंद के लाला की जय, कृष्ण बलराम की जय। और देखिए ब्रज गोपियां अपनी अपनी लाठियां लेकर के मैदान में आ चुकी हैं ग्वाल वालों के साथ होली खेलने के लिए। बोलिए होली के रसिया की जय। और समस्त गोपियां अपनी अपनी लाठियां लेकर के अपने घरों से बाहर आ गई हैं और हत्ता लेकर के समस्त ग्वाल वाल तैयार हैं। और देखिए किस प्रकार से आज ब्रजमंडल की पावन धरा पर प्रेम की होली खेली जा रही है। रसिया की जय। अब आप आनंद ले रहे हैं गिढ़ो गांव के प्रसिद्ध औरंगा का। बड़े ही प्रेम से बड़े ही भाव से ये लीला की जाती है आज नंदगांव से। श्याम सुंदर अपने दाऊ दादा को साथ में लेके अपने समस्त परिकर को साथ में लेकर के गिढ़ो गांव पधारे और अपने भक्तों को आनंद रस देने के लिए प्रभु अनेकों प्रकार की लीला करते हैं। उसी में से एक लीला है गिढ़ो गांव को औरंगा। आज दाऊ दादा को होली खिला रहे हैं श्याम सुंदर और गोपियां प्रेम से पकी हुई लाठियां इन ग्वाल वालों पर बरसा रही हैं। अपने घरों से गोपियां लठ लेकर के निकली हैं और श्याम सुंदर और दाऊ दादा के जो सखाएं वो हत्ता अपने साथ में लेकर, लकड़ी का हत्ता जिसको कहा जाता है उसको साथ में लेकर के आए हैं और जो गोपियों की लाठियां हैं उसकी चोट को अपने हत्ते पर ले लेते हैं। धन्य है ब्रजमंडल और धन्य है ब्रजमंडल की होली। देखिए किस प्रकार से तड़ लाठियां चलाई जा रही हैं। जय हो नंद के लाला की जय। सखी बाबा ब्रज के बड़े ही परम रसिक संत हैं गोपाल सखी बाबा। और देखिए किस प्रकार से तरातर लाठियां चलाई जा रही हैं। साल भर से बांट देखे, एक साल से इंतजार कर रहे हैं, पूरा तैयार कर ले। आपको
चोट तो ना लगी? ना ना चोट कोई ना लगा का अभी। अच्छा अगर कोई बेस ऊपर तो खेले तो चोट लग रही, चोट लगती नहीं है। अगर चोट किसी को लग भी जाती है तो किसी को कोई दुख नहीं होता। अच्छा ये है बोल होरी के रसिया। देखो ब्रजवासी में कैसा उत्साह है, चोट नहीं लगती है लाठियों से, महाराज प्रेम में भीगी हुई लाठियां। और आज आपने हमारे साथ ब्रजमंडल के प्रसिद्ध गिढ़ो गांव के होरंगा के जो दर्शन किए और हृदय में जो आनंद रस प्राप्त किया, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें ताकि सभी भक्तों को ब्रजमंडल के वास्तविक दर्शन हो सकें। अगर आपने ब्रजमहिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रजमहिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रजमंडल का आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। इसी के साथ तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रजमंडल की पावन धरा से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।